आज के इस वीडियो में हम आप लोग को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का बहुत सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाला हूँ। बहुत स्टूडेंट का अब तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ और उन लोग का स्टेटस जो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है कि कब तक हम लोग को पेमेंट मिलेगा, कब तक मेरा वेरीफाई होगा, इसके बाद मेरा क्या आगे वेरीफिकेशन होता है। तो पिछला वीडियो में बहुत सारा स्टूडेंट हमको अपना स्क्रीनशॉट इस वेबसाइट से जहाँ से हम आप लोग को सेंड करने बोले थे वहाँ से स्टूडेंट अपना स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर शो कर रहा है। इस स्टूडेंट का कहना है कि मेरा आगे कब तक वेरीफाई होगा और कब तक पेमेंट मिलेगा, तो मैं आप लोग को आगे सब कुछ जानकारी बताऊँगा। अभी और स्टूडेंट हमको स्क्रीनशॉट किए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट स्क्रीनशॉट किए, ज़्यादातर दिखाई दे रहा, देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर। इस स्टूडेंट का भी देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर। फिर और दूसरा स्टूडेंट का भी इसी प्रकार दिखा रहा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर शो कर रहा, और यहाँ पर आगे स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फाइनल वेरीफाई शो कर रहा, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट का भी देख सकते हैं फाइनल वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर शो करा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का देख सकते हैं इसका हो गया एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, इसका पेमेंट पीएफएमएस के पास चला गया, इसको टोकन नंबर भी मिल गया और पेमेंट भी यहां पर शो कर रहा। अभी बात करता हूं जितना स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर शो कर रहा, इन लोग का कब तक आगे वेरीफाई होगा, इसके बाद आगे क्या वेरीफाई होगा, इस वीडियो में बात करूँगा। साथ ही साथ उस स्टूडेंट के बारे में भी बात करूंगा जिस स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर शो कर रहा, कब तक आप लोग का स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर वेरीफाई इस प्रकार शो करेगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप अभी तक हमको अपना स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किए, आपको कोई प्रॉब्लम है सेंड करना है, तो उसके लिए आप गूगल पर लिखिए scholarshiphelp.in, ठीक है, क्या आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा स्कॉलरशिप हेल्प वाला, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा जो हेल्प डेस्क का फॉर्म है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल से ओपन करेंगे तो 3 डॉट मिलेगा, कंप्यूटर से ओपन करेंगे तो ऊपर में स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्कॉलरशिप वाला में, और आपको यहाँ पर बहुत सारा कोर्स नया नया स्कॉलरशिप रिलेटेड भी मिल जाएगा। आके अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है, जो NGO स्कॉलरशिप है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोग को जो अपना स्क्रीनशॉट है उसको कहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एनी स्कॉलरशिप अपडेट और प्रॉब्लम सबमिट दिस फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्क्रीनशॉट, अब जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसको जैसे सबमिट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा। अभी इन सब स्टूडेंट का प्रॉब्लम का बात करता हूँ कि कब तक इन लोग का वेरीफाई होगा, कब तक पेमेंट रिसीव होगा, टोकन नंबर जनरेट होगा, पेमेंट कब तक शो करेगा, या फिर इसके आगे क्या वेरीफिकेशन होता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस सब स्टूडेंट का अभी इसका देखिए फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर शो कर रहा, तो जिसका भी फाइनल वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर शो कर रहा, जिसका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अभी फाइनल वेरीफाई शो कर रहा, उन लोग का अभी जाएगा इस तरह हो जाएगा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फाइनल वेरीफाई कर दिए, उसका डेट भी एक्सपायर कर गया डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का, लेकिन स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर का वेरीफिकेशन का डेट अभी है, उनका अभी वेरीफिकेशन जारी है। बहुत सारे स्टूडेंट आज कमेंट किए, देख सकते हैं कि स्टेट बोर्ड के पास वेरीफिकेशन हो गया, मोबाइल पर मैसेज भी आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जिसका फाइनल वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर शो कर रहा, उन लोग का अभी स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर के पास जा रहा और वेरीफाई हो रहा, और जिसका स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर शो कर रहा, जैसे देख सकते हैं स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर, उसके बाद इन लोग का टोकन नंबर और एप्लीकेशन सेंड टू PFMS के पास जाएगा, उससे पहले आप लोग का मेरिट भी यहाँ पर बनेगा। बहुत सारा स्टेट में मेरिट नहीं बनता और पेमेंट मिलता है, टोकन नंबर और पेमेंट भी शो होने लगता है, तो स्टेट नहीं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से अप्लाई किए तब का यहाँ पर मेरिट भी बनेगा, मेरिट के लिए आप लोग को वेट करना है। तो देख सकते हैं इस स्टूडेंट का बात करते हैं, इसका देख सकते हैं एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो गया। अभी इस स्टूडेंट का कहना है कि हमको पेमेंट कब मिलेगा, तो जितना स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है या स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर है, तो उन लोग का जिसका डिस्ट्रिक्ट है उसका स्टेट के पास जाएगा, जिसका स्टेट है उसका तो मेरिट बनेगा। फिर आपका बैंक वैलिडेशन तो पहले ही हो चुका, सभी स्टूडेंट का बैंक वैलिडेशन हो चुका, देख सकते हैं जिसका बैंक वैलिडेशन नहीं हुआ उसका हो जाएगा, सबका लगभग हो गया बैंक वैलिडेशन वाला काम, क्योंकि पुराना वीडियो में बताएं और अभी बैंक वैलिडेशन बहुत फास्ट काम चल रहा है, ठीक है।
तो जितना स्टूडेंट का अभी देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास है, उन लोग का स्टेट के पास जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, स्टेट के पास है उन लोग का मेरिट बनेगा और आपका टोकन नंबर मिल जाएगा इस स्टूडेंट का जैसा देख सकते हैं। जब आपका टोकन नंबर मिलेगा और आपका अमाउंट शो करेगा तब आपका एप्लीकेशन सेंड टू PFMS पर पेमेंट भी शो करेगा। बहुत स्टूडेंट का भी कहना है कि एप्लीकेशन सेंड टू PFMS पर पेमेंट शो कर रहा लेकिन मेरा जो है पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का यहाँ शो कर रहा पेमेंट फाइल जनरेटेड, स्कीम ऑनर और डिपार्टमेंट इज येट टू डिजिटली साइन द पेमेंट फाइल। मतलब बताया जा रहा है पेमेंट तो PFMS के पास चला गया लेकिन पेमेंट अभी वो सेंड नहीं किए, PFMS स्टूडेंट को खाता में सेंड नहीं किए क्योंकि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिजिटली साइन करके PFMS को नहीं शेयर किया। जैसे डिजिटली साइन करके PFMS को भेज देंगे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तो आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगा और आपका जो टोकन नंबर दिया गया उसी टोकन नंबर से आपको पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा। जिसका टोकन नंबर मिल गया उन लोग को बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में पेमेंट रिसीव हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, 5-10 दिन में भी हो सकता है। तो आप लोग अपना अकाउंट को अपडेटेड रखेंगे, ज़्यादा अमाउंट जिसको मिलने वाला वो लोग अपना अकाउंट को अपडेटेड रखेंगे, पैन कार्ड वगैरह अपडेट कर लेंगे। और जिसका अभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है वो लोग वेट करें स्टेट के पास, स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर का वेरीफिकेशन का काम अभी चल रहा है, जैसे कि देख पा रहे बहुत स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा है स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर वेरीफाई का। उसके बाद आप लोग का मेरिट बनने के बाद टोकन नंबर मिलेगा, फिर PFMS के पास जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन सेंड टू PFMS पर पेमेंट शो होने लगेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोग का लिंक दे दिए NSP का पेमेंट स्टेटस चेक करने का, तो वहां से आप लोग जैसे चेक करेंगे तो आप लोग अपना पेमेंट के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कहां पर है, मिनिस्ट्री के पास है, अंडर प्रोसेसिंग एजेंसी है कहां पर है, सब कुछ वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए।